हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सलमान खान की आने वाली अपकमिंग मूवीज़ जो 2019 में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म के लिए हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आने वाली दो फिल्म है, इस फिल्म में से एक फिल्म है नोटबुक। नोटबुक को सलमान खान खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें जो मेन लीड एक्टर है वो है जाहिर इकबाल और प्रणतम बहल। प्रणतम बहल मोनिस बहल की लड़की है, जिसका ये डेब्यूट फिल्म है। तो फ्रेंड्स, ये फिल्म 29 मार्च 2019 को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म एक टीचर्स के ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है। तो ये फिल्म के लिए 29 मार्च को आपको देखना पड़ेगा। सेकंड फिल्म जो आ रही है वो है भारत। भारत फिल्म में सलमान खान, तबू, करीना कैफ, दिशा पटानी और जैकी श्रॉफ मेन लीड एक्टर में दिखने वाले हैं। ये फिल्म 5 जून 2019 को रिलीज़ होने वाली है, यानी कि ईद के टाइम पे ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इस फिल्म का कितना इंतज़ार कर रहे हो? इसका टीज़र जो है बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा है। तो आपको इसका टीज़र कैसा पसंद आया या नहीं, जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए। और ये फिल्म आप कौन कौन देखने जाने वाले हो, जरूर से मुझे कमेंट करके बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।